तो ये देखिए गाइस, ये हमारे सफ़र का दूसरा दिन है। मॉर्निंग हो गई थी और सना उठ गई थी और ये मुझे आ गई थी जगाने के लिए, और इसको ना नींद नहीं आ रही थी। सुबह सुबह उठ के ये आ गई थी और कुछ कह रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने वॉइस ओवर दे दिया है। तो और मैं सोई हुई थी, इतना ठंडा था ना, इतना उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत ही अच्छी नींद आई और आराम से सोए हम लोग, मतलब रात में एक दो बार ही नींद खुली थी। तो ये देखिए मुझे जगा रही है, सुनाइए। और सुबह सुबह मॉर्निंग में उठो और चलते ही, मतलब ट्रेन से इस तरह से व्यू मतलब देखने को मिलता है, इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लग रहा था देखने में ना सब कुछ एकदम से, कि मतलब बता नहीं सकती मैं। और ये देखिए गाइस, उसके बाद जो है मैंने ब्रश निकाल लिया अपना और सोना का, और फेस वॉश वगैरह निकाल लिया कि थोड़ा अपना मतलब मुँह धुल लेते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं थोड़ा जो है, कि फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 8:30 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा सोना को भी, फिर वो कह रही थी मम्मी ब्रश व्रश करना, मैंने कहा चलो ठीक है फिर करके आते हैं हम लोग। इसके बाद गाइस ये देखिए चाय और कॉफ़ी आ रही थी, सुबह से ही मॉर्निंग में ही ला रहे थे लोग। तो फिर ये जो है कि मैंने ना गिलास में ले लिया था और सोना को ले लिया था थोड़ा सा चाय, और मैंने ले लिया था अपना, हम लोग जो है कि अपना सोना जो है नमकीन वगैरह खा रही थी, और मेरा मन नहीं था, ये पराठे बचे हुए थे ना, तो मैंने सोचा देखती हूँ अगर खाना अगर सोना खा लेगी, नहीं तो मैं एक आध खा के नाश्ता करके थोड़ा चाय पी लेंगे, ताकि हम लोग कब तक पहुँचेंगे कब तक नहीं टाइम कोई। अभी जो है कि सुबह ही थी, 8:30 बज रहा था, मैं कि टाइम हो जाएगा जब तक हम लोग घर पर जाएँगे, तो यही है हम लोग अपना चाय वाय पी लेंगे। और इधर देखिए बाहर जो है दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो स्टेशन आ गया था, थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टेशन आ ही जाते हैं, मतलब कि रात में तो कुछ देखने को ही नहीं मिला, हम लोग खाना वाना खाए, टीम थोड़ा मूवी वगैरह देखे और उसके बाद हम लोग सो ही गए थे। देखिए ये रात का बचा हुआ है बिटानिया केक, और सोना जो है कि चोरी चोरी जो है कि लपेटे जा रही हैं, लपेटे जा रही हैं। तो कैसा लग रहा है आपको चोरी चोरी खाकर? के पास कोई शब्द नहीं है, खा लो तो ठीक है, खत्म ही हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सब? हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, मस्त हैं, खूब इंजॉय किया ट्रेन में, अभी भी कर रहे हैं, और बस थोड़ी देर और हमने जो है कि चाय वो पी लिया है, फ्रेशन अप वगैरह हो गए, चाय वो पी लिया है, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। धूप बहुत तेज़ हो गई है तो इसीलिए कर्टेन लगा के रखा है, क्योंकि सीधे ना आइस पे रोशनी आ रही है, तो इसी वजह से अभी देखा नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स अभी टाइम भी हो रहा है कुछ 9:30 हो रहा है, तो इस वजह से अभी ना धूप जो है बहुत तेज़ हो रही है। देखिए बाहर बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा, बहुत तेज़ से रोशनी लग रही है, इसलिए कर्टन लगा रखा है। तो अभी जो है कि थोड़ी देर में हम अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें पहुंचना है, फिर उसके बाद वहां से जो है कि हम अपने गांव चले जाएंगे। तो यही है, और सोना एकदम मस्ती में पूरा लगी हुई है, चाय वही हमने पी लिया है, और सोना का अपना चल रहा है चिप्स कुरकुरे और केक, यही सब चलता जा रहा है अभी जब तक आएगा, जब तक हमारा स्टेशन जहाँ हमें जाना है तब तक तो सोना लग रहा है पूरा फिनिश कर ही देगी। सही बात है, लिया किस लिए, खाने के लिए तो लिया, पापा ने बहुत प्यार से दिला दिया, गुड़िया रानी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं, यहाँ पे बार बार सिर्फ चाय और कॉफ़ी के लिए ही आ रहे हैं, मॉर्निंग में आ रहे हैं और रात में खाना के लिए, और फालतू मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार खोल के हम अंदर जा लें, थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान देना है ना, तो इसी वजह से। चलिए गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो इसके बाद गाइस ये देखिए हम लोग आ गए थे शाहगंज, आ गए थे तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा समोसे वगैरह यहाँ पे ना एकदम बना के गर्मा गर्म देते, तो सभी लोग लेकर आ रहे थे खा रहे थे, और यहाँ पे ना गाड़ी ना कुछ 15-20-25 मिनट रुकती है शायद यहाँ पे, तो फिर इसी वजह से फिर मैं भी सुना कह रही थी मम्मी खाना, तो मैं कह अच्छा चलो ठीक है मैं भी लेकर आती हूँ, नहीं तो ऐसे पूरे रास्ते तो कहीं उतरना नहीं हुआ ना उतरी मैं कहीं, थोड़ा डर भी लगता है ना कि ट्रेन कब चली जाए कब नहीं, तो इधर यहाँ पर पता था कि रुकती है यहाँ पर गाड़ी,
थी, मतलब आधे घंटे के लगभग रुकती है, फिर मैं उतर गई थी। और मैं ये देखे गर्मा गर्म ले आके आऊँगी यहाँ पे समोसे और फ्रूटी पानी सब दे रहे थे। और स्टेशन थोड़ा आगे था, बटे आगे जहाँ हमारी ट्रेन रुकी थी, जहाँ डब्बा था ना हमारा, तो यहीं पर लगा रखे थे ये। और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था इनका समोसे, और चटनी थी इसके साथ में खाने के लिए। तो ये देखिए पानी ले आई, फिर बाद में सोना जाते हैं ना, तो फिर वो ना फ्रूटी भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती। मैंने बोला कि अंकल से बोल देना कि अंदर दे देंगे, नीचे तुम उतर के मत जाना, तो यहीं पे बाहर ही से बुला ली, तो फिर उन्होंने दे दिया था। तो ये देखिए आ गए हैं हमारा गर्मा गर्म, ये जो है 20 रुपीज़ के 3 दिए थे गाइस, और इतना ज़्यादा गर्मा गर्म क्रंची था ना समोसे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। और ये देखिए सोना लेकर आ गई है, तो ये मैंगो फ्रूटी लेकर आ गई थी, मैं कहा चलो थोड़ा थोड़ा पी लेंगे हम लोग। और गाइस मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मतलब फर्स्ट टाइम अकेले आई, मतलब बिना हस्बैंड के आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा, हस्बैंड ने इतना अच्छे से सब कुछ मतलब टिकट बुक वगैरह किया था कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से। फिर इधर भी हम लोग आए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, घर पे बहुत ईजिली आ गए थे हम लोग। तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर बच्चों के बिना थोड़ा सा अजीब लग रहा था हस्बैंड के बिना, और बाकी कोई बात नहीं थी। तो गाइस हमारा ट्रेन का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है, और आ गए हम लोग अपने स्टेशन पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने घर। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक का है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।